झरिया निलोरी पत्थर के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बैनर के माध्यम से कहा कि धनबाद के सांसद और मेयर लापता। निलोरी पत्थर के लोगों का कहना है कि देश में हुए लॉकडाउन को 46 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे बस्ती में एक बार भी न तो धनबाद सांसद न ही मेयर आए हैं। जब चुनाव का वक्त होता है तभी आते हैं और वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हम गरीब भूखे मरने के कगार पर हैं, लेकिन सांसद और मेयर देखने तक नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन में लापता हो गए। इस वजह से हम आज सभी ग्रामीण एकजुट होकर न्यूज़ के माध्यम से उनको खोजने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, निलोरी पथना में लगभग 2000 की आबादी है और लोग मजदूरी करके काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शायद न्यूज़ के माध्यम से उनका नींद खुले और हम लोगों पर ध्यान दें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए नेशन टीवी न्यूज़। पहले तो धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को, तहे दिल से आभार कि जिन्होंने हमारे इस गरीब गांव को, इतने बड़ा आबादी को न्यूज़ 99, आर भारत, आर 24 के जरिए एक बार दिखाया था, जिससे हमारे विधायिका महोदय भी जाकर यहां अपने सहयोग से राशन वितरण किया। और मेरा आज का ये कार्यक्रम संसद को जगाने के लिए उद्देश्य था। हमारे सांसद महोदय ये धनबाद लोकसभा से कहाँ लापता हो गए, जो कि इस झरिया विधानसभा में नज़र नहीं आ रहे हैं। लगभग ये तीसरा अवधि है उनका, अभी तक उन्होंने यहाँ, चुनाव के समय तो आते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद हर एक प्रत्याशी का फर्ज बनता है कि अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और उस लोगों का, जिस प्रकार हम चुनाव में हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके भरोसे से प्रत्याशी को सभी गरीब परिवार लोग, जनता जिताते हैं। आपने सांसद के अलावे भी जो पंक्तियां में लिखी है कि मेयर का भी कहीं ना कहीं ये रहा है, जो है कि झरिया विधानसभा के निलोरी पत्थर में एक बार भी छाके नहीं मारे, हाँ, इसका क्या उद्देश्य रहा है? जैसे मैं न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी पढ़ रहा हूँ, हमारे मेयर जी के तरफ से मोदी आहार वितरण किया जा रहा है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गरीब बस्ती में मोदी आहार की आवश्यकता नहीं है? आए दिनों कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि आप सभी के पास राशन कार्ड है, तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसी को सामान हम वितरण करेंगे, जो जो गरीब, जो जो ये सब सोशल वर्क कर रहे हैं। तो मैं उन कहना चाहता हूँ, क्या माड़ भात खाकर ये पूरा लॉकडाउन में बिता सकेंगे कोई? क्या चीनी, दाल, ये सब इत्यादि की आवश्यकता नहीं? सरकार के द्वारा जो योजना मिला जा रहा है, जो कोटा के माध्यम से प्रदेश दुकानदार दे रहे हैं, तो क्या उसे आप संतुष्ट हो पा रहे हैं यहाँ के दिहाड़ी मजदूर में? नहीं, उनसे तो सिर्फ चावल मिल रहा, चावल से क्या संतुष्ट हो सकता है? चावल आज मानकर चलिए कि तीन परिवार है तो उन्हें 15 किलो 30 केजी तो चावल मिल रहा, क्या चावल के साथ दाल की आवश्यकता नहीं है? दाल के साथ सब्जी की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, आज के प्रोग्राम से क्या मतलब लिए हैं आप लोग, इस प्रोग्राम का माध्यम से क्या जताना क्या चाहते हैं आप सांसद महोदय को या सरकार? मैं सबसे पहले तो सांसद महोदय को जगाना चाहता हूँ कि जागिए सांसद महोदय, ये झरिया विधानसभा में एक छोटा सा बस्ती लिलौरी पथरा ग्राम है, जो यहाँ गरीब मजदूर हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये नहीं कि वो बैंक में पैसा जमा करके रखे हैं। आप बैनर के माध्यम से क्या लिखे हैं? लिखे हैं हमारे सांसद महोदय लापता। साफ तौर कहना चाहते हैं लॉकडाउन में लापता हो जाएगा। लापता है हमारे सांसद महोदय, मेयर साहब भी इस ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि तीसरी पेज में चल रही है, तीसरा चरण है लॉकडाउन का, उसको क्या लेकर के सांसद महोदय एक बार भी आप लोगों के बीच नहीं आए? अब तो वही जानेंगे ना, उनको भी तो पता होना चाहिए, इसीलिए तो हम सब उन एक छोटा सा आप सबके सहयोग के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा कि ये न्यूज पर चले, ताकि हमारे सांसद महोदय रात को अगर टीवी देखते हों तो खुद टीवी खोलकर देखें कि एक ग्राम, छोटा सा ग्राम लिलौरी पथरा है। क्या नाम है? राजीव पांडे।